हेलो दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी या इन्फॉर्मेशन दूंगा ब्लैक होल्स के बारे में। आपने ये नाम बहुत जगह सुना होगा। अभी रिसेंटली ब्लैक होल की जो रियल इमेज थी उसको ब्लैक होल कैसा दिखता है उसको भी तो नासा ने उसकी इमेज निकाली थी। चलिए आप वीडियो में जाते हैं, आप ब्लैक होल को क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर आप बेसिक से चले तो ब्लैक होल एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो सन हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गया वगैरह वगैरह। उसी तरह ब्लैक होल भी स्पेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है, वो स्पेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। उसको वगैरह वगैरह चीज़ आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, इस ऑक्सीजन चाहिए उसको। एंड अब आते हैं अपन, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको अभी तो कि ब्लैक होल क्रिएट कैसे होता है। ब्लैक होल क्रिएट होता है किसी बड़े स्टार के डिस्ट्रक्शन की वजह से, या उसके कह सकते हैं वो जब बड़ा स्टार डिस्ट्रक्ट हो रहा होता है, मतलब वो जब बर्बाद हो रहा होता है तो वो कोलैप्स करने लगता है। अब अपन आगे जाने हैं वीडियो में वो कैसे होता है। अब अभी के लिए चलिए हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, अब अपन आ गए नई स्लाइड पे। देखिए, इस स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि ब्लैक होल की इंटरप्रिटेड इमेज कैसी होती है, मतलब ब्लैक होल असलियत में ऐसा दिखता है, अपन ये ऐसा इमेजिन करते हैं। ब्लैक होल को तो अपन देख नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम लोग का जो टेलीस्कोप होता है उस पर पड़ती ही नहीं है, तो हम लोग ब्लैक होल को एक्चुअली में अभी तो नहीं देख सकते हैं, पर रिसेंटली अभी इमेज डिस्कवरी हुई थी। पर देखिए, ब्लैक होल ऐसा दिखता है। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये इसको कहते हैं इवेंट होराइजन, और ये जो बीच में है उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी पता नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है। अभी जो साइंटिस्ट के पास रिसेंट इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चला है कि वहाँ पे वॉइड एग्जिस्ट करता है, मतलब वहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज़ जस्ट एन एम्प्टी स्पेस। बट क्या पता आगे चले कोई डिस्कवरी हो। तो चलिए अपन चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, अब अपन आ चुके हैं एक नई स्लाइड पे। अब मैं आपको इस स्लाइड से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, स्पेस डिस्टॉर्शन का। स्पेस डिस्टॉर्शन ये हम लोग को ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा, इसलिए चलिए इसको समझते हैं। आपके आसपास जो स्पेस है वो 3D में है, ये तो आप मानते हैं ना। देखिए, ये मैंने बनाया है वो 3D स्पेस। अब देखिए, 3D स्पेस भी जो है वो 2D स्पेस से मिल के बना होता है। जैसे बहुत सारे आप किताब का पन्नों के एक ऊपर रख दीजिएगा वो, तो वो 3D बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने वो एक 2D शीट इन्फाइनाइटेसिमल लेंथ की निकाल ली, ठीक है, और फिर उस पर एक बहुत हैवी मास रख दिया, तो क्या होगा, 2D शीट बेंड हो जाएगी। वैसे ही जब अपन स्पेस में किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो 2D शीट ऑफ स्पेसेस होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, और इवेंचुअली जो 3D स्पेस होता है वो भी बेंड हो जाता है। अब इसी के कारण बनता है ये ब्लैक होल, और इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो दोस्तों, अपन आ गए अब नई स्लाइड पे। मैंने जैसा आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट या मास को अगर हम 2D शीट ऑफ स्पेस पे रखें तो वो उसको बेंड कर देगा। आप अपनी स्क्रीन में मौजूद पिक्चर पे देख सकते हैं कि कैसे एक हर्थ बहुत ही हैवी मास ऑब्जेक्ट अपने आसपास के 2D स्पेस को वो बेंड कर रहा है, और इवेंचुअली वो 3D स्पेस को भी बेंड कर रहा है। लेकिन हम लोग 2D में इसलिए समझ रहे हैं कि 2D में समझना ज़्यादा आसान होता है। देखिए, ये जो अब मून भी जो है ना, इसीलिए अर्थ के चारों तरफ वो घूमता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप गोल गोल, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट घूम सकता है। इसमें लिखा भी है यहाँ पे कि व्हेन ए हैवी मास इज प्लेस्ड इन स्पेस द फैब्रिक ऑफ स्पेस विल कोलैप्स एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, पर असलियत में ऐसा ही होता है, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला है। तो दोस्तों, अब अपन आ गए हैं एक न्यू स्लाइड पे, और इस स्लाइड में अपन जानेंगे कि व्हाट कैरेक्टराइजेस अ ब्लैक होल, मतलब एक ब्लैक होल को आप दूसरे ब्लैक होल से अलग कैसे बता सकते हैं। देखिए, ब्लैक होल क्या है, एक सर्किल है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया है कि ब्लैक होल एक सर्किल तरह दिखता है, तो एक सर्किल को आप दूसरे सर्किल अलग कैसे कर सकते हैं, खुद ही सोचिए, रेडियस के द्वारा। अब अगर उस सर्किल का रेडियस है तो उसका पेरीमीटर होगा। अब देखिए, ब्लैक होल का जो पेरीमीटर होता है
उसी मतलब उसी सरफेस को कहते हैं इवेंट होराइजन, जो जो पेरीमीटर का सरफेस होता है उसको कहते हैं इवेंट होराइजन। अब उसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, मतलब अगर उस लाइन को, उस पेरीमीटर की लाइन को अगर कोई भी चीज क्रॉस कर जाए, एनीथिंग इन यूनिवर्स, वो रिटर्न नहीं कर सकती, वो वापस नहीं जाती। अगर लाइट भी अगर उस पेरीमीटर के पार चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, नथिंग कैन एस्केप इवन लाइट। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दिखता कैसा है। देखिए यहाँ मैंने एरो से मार्क भी करके रखा है, ये ब्लैक होल है और ये है इवेंट होराइजन। जैसे देख रहे हैं आप, ये है इवेंट होराइजन, मैंने एरो से मार्क भी करके रखा है, ये ऐसा कुछ दिखता है। अब इसका फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इसका नाम भी है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, इसका नाम है, मतलब ये साइंटिस्ट ने निकाला था तो इसका नाम ये है। ये आर इक्वल टू 2gm/c². यहाँ सी क्या है आप सब जानते हैं, लाइट की स्पीड भी हम लोग सी कहते हैं। मास क्या है, मास ऑफ गिवन बॉडी। मैंने आपको बताया था कि वो स्टार को जो रिमेन्स है उसको अपने अंदर ले रहा होता है ब्लैक होल नॉर्मली, तो वो उस स्टार का मास है, एम, मास ऑफ द गिवन बॉडी, जी न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो ये था कि ब्लैक होल को आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। अब अपन अगली स्लाइड में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए अपन जानते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे, हाउ ब्लैक होल इज फॉर्म्ड। जैसा आप मैंने आपको पिछली साइड में समझाया था कि किसी भी मास को या किसी हैवी मास को या किसी प्लैनेट को या किसी स्टार को अगर अपन स्पेस में रखेंगे तो स्पेस को बेंड करने की कोशिश करेगा। जैसे कि स्पेस एक ट्रैम्पोलिन है, उसके ऊपर एक बॉल रखी गई है, बॉल को स्टार समझते हैं, वो उस प्रकार से उसको बेंड करने की कोशिश करेगा। अब देखिए दोस्तों, ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो स्टार डिस्ट्रॉय हो जाए और ब्लैक होल बने। ब्लैक होल की फॉर्मेशन के लिए स्टार को बहुत मैसिव होना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा स्टार या कोई स्मॉल स्टार ब्लैक होल नहीं बना सकता है। जब कोई बड़ा स्टार अपने डिस्ट्रक्शन की लास्ट स्टेज पे होता है या वो डिस्ट्रॉय हो गया हो जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ, तब ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक सुपरनोवा है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है एक सुपरनोवा है। तो स्टार जब बहुत बड़ा स्टार जब डिस्ट्रॉय हुआ है तो सुपरनोवा बना है, अब उसी के बाद स्पेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है और ये जो है यहाँ एक ब्लैक होल बन गया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है एक ब्लैक होल बन गया है और यहाँ स्टार के जो रिमेन्स है, मतलब जो उसके बचे खुचे हिस्से हैं, वो इस ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है स्पेस, मतलब स्पेस के वो गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है। और एक बहुत रोमांचक बात है कि अगर ये मान लीजिए ये सब ये जो इसके स्टार के रिमेन्स अगर ख़त्म हो जाए, तभी ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। ये ब्लैक होल कभी ख़त्म नहीं होता, अभी तक तो ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड नहीं की गई है कि ब्लैक होल ख़त्म हो जाता है। अब चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों अपन आ गए एक नई स्लाइड पे, तो मैं इस स्लाइड का नाम रखा हूँ टाइम बिहेव डिफरेंटली नियर अ ब्लैक होल। अब ऐसा क्यों है, मैं आप पहले आपको इसका रेफरेंस देता हूँ कि टाइम कैसे डिस्टर्ब हो जाता है ब्लैक होल के पास आसपास। अब देखिए आपने एक बहुत ही फेमस मूवी है इंटरस्टेलर, आपने उस मूवी को देखा होगा, तो उसमें दिखाया था कि वो लोग जाते हैं एक प्लैनेट जो ब्लैक होल के पास रहता है, पर उस मूवी में ऐसा दिखाया है कि ब्लैक होल के पास मतलब ब्लैक होल के जो पास जो प्लैनेट होता है वहाँ पर अगर वो लोग सपोज कीजिए कि वो लोग वहाँ पर टाइम बिताते हैं 1 आवर करीब, तो अर्थ पे वो टाइम स्पेंड हो रहा था लोगों का 70 आवर्स, मतलब कि अर्थ के हिसाब से ब्लैक होल का टाइम मतलब कितना फास्ट चल रहा था ना, इसीलिए वो था ब्लैक होल के आसपास टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब हम लोग के रिलेटिव में टाइम कुछ और ही चलने लगता है। और ऐसा होता क्यों है कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पिछली स्लाइड्स में कि वो स्पेस को डिस्टर्ब कर देती हैं। अब स्पेस और टाइम इंटरलिंक्ड है, ये साइंटिस्टों ने बहुत निकाला है, इस इक्वेशन है स्पेस टाइम की। तो अगर किसी रीजन के स्पेस को डिस्टर्ब कीजिएगा तो वहाँ का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लैक होल ग्रेविटी ज़्यादा है कि वो स्पेस को डिस्टर्ब करता है तो वहाँ का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये रीज़न है कि टाइम जो है ब्लैक होल के आसपास बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। ऐसे तो ऐसा तो ये भी कि लाइट भी बहुत वियर्ड बिहेव करता है ब्लैक होल के आसपास, मैं पहले साइड बता चुका हूँ। यहाँ तक कि ऐसा भी है कि अगर आप श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में मैंने पिछली बार बताया था, अगर आप उससे थोड़ा सा दूर जाइएगा तो ऐसा होता है कि लाइट इस तरह से बिहेव करने लगता है कि मान लीजिए कि सपोज डैट कि इफ यू आर सीइंग फ्रंट फ्रॉम योर आइज देन यू विल बी एबल टू सी द बैक ऑफ योर हेड। दिस इज क्वाइट अमेजिंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। तो मतलब आगे देखिएगा आपको अपने सर के पीछे क्या दिखने लगेगा।
वैसे तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ ब्लैक होल के बारे में, पर इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा क्योंकि इसका पार्ट टू भी आएगा। जैसे कि मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा बात बता देता हूँ। देखिए, जो सिंगुलैरिटी जो मैंने डिस्कस किया था अब पिछली स्लाइड्स में, वो सिंगुलैरिटी होता क्या है? सिंगुलैरिटी इज अ रीज़न ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। ब्लैक होल श्रिंक होते 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 बहुत श्रिंक हो जाता है कि उसकी डेंसिटी होती ब्लैक होल की इनफाइनाइट पहुँच जाती है। अब इनफाइनाइट डेंसिटी पे होगा क्या? आपने बिग बैंग का नाम सुना ही होगा। बिग बैंग जो था उस समय इनफाइनाइट डेंसिटी थी। अब इनफाइनाइट डेंसिटी जब एक्सप्लोड हुआ तो यूनिवर्स बना, उसी तरह वहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाती है। अब इसीलिए वहाँ पे जो लॉज ऑफ फिजिक्स भी काम नहीं करते, इनफाइनाइट डेंसिटी पे लॉज ऑफ फिजिक्स जो हम लोग जानते हैं वो काम ही नहीं करते, इसीलिए उसको अनएक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ स्पेस बोलते हैं। इसीलिए तो ये ब्लैक होल कितना इतना पैशन से लोग रिसर्च करते हैं इस पर, ताकि पता चल सके सिंगुलैरिटी है क्या। वो सबसे ब्लैक होल सबसे मिस्टीरियस रीजन है स्पेस का। चलिए, जाते आते मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक पहुँचे तो आपको जानना चाहिए। देखिए, ये देख रहे हैं आप एक सैटेलाइट है। आप कभी भी किसी सैटेलाइट, जैसे नासा का अगर आप सैटेलाइट बना देखिएगा, इसरो का अगर सैटेलाइट बना देखिएगा, तो वो लोग सैटेलाइट के ऊपर गोल्ड की फॉइल की परत चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सब देख सकते हैं, यहाँ गोल्ड की फॉइल की परत चढ़ी हुई है, देख सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि सैटेलाइट जाना है स्पेस में। अब स्पेस में बहुत ही खतरनाक रेडिएशन है और अल्ट्रावायलेट, गामा वगैरह वगैरह, तो उन रेडिएशन अगर उन रेडिएशन से बचाने के लिए ये गोल्ड की फॉइल की परत चढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन हिट करिए और प्रेस द बेल आइकन। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।